श्री श्याम, जय श्री श्याम। जैसे कि दोस्तों हम काशीपुर से रात को 15 तारीख को 10:47 पे चले थे। हमें जो ट्रैवल करना था जयपुर के लिए करना था काशीपुर से, तो जो हमारी ट्रेन थी 10:47 से, और जयपुर जो हमें छोड़ा है 16 तारीख की मॉर्निंग 10:30-11 के आसपास छोड़ा है। लगभग 12 घंटे का सफ़र तय किया। अब हम जयपुर से हमने रिंगस के लिए टिकट ली, और रिंगस का टिकट लेने के बाद रिंगस से हमने फिर वहाँ एक टैक्सी बुकिंग की, और टैक्सी बुकिंग करने के बाद हम जो है यहाँ श्याम मंदिर श्याम दरबार पहुँचे हैं। जय श्री श्याम। मित्रों, ये खाटू श्याम की नगरी का मेन चौराहा है, और यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है जय हिंद जय भारत। ये जो रास्ता है मंदिर मार्ग की ओर जाता है, और ये मेन मार्केट में जाता है। श्याम टोरेंट द्वार पे आप देखें, ये दिन में जो है टोरेंट द्वार का जो कलर है दिन में वाइट रहता है, और शाम को गोल्डन कलर हो जाता है। और अब मैं आपको श्रद्धालुओं की खुशी दिखाता हूँ, मतलब आप भी आइए सभी। अब अपने मित्रों से मिलाता हूँ मैं। नज़ारा खाटू श्याम जी की नगरी में। आप इनके जो प्राइस हैं आप प्राइस देख सकते हैं, 3,000-3,500। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बज रहा 6 और अभी हम जाते हैं नहाने के लिए जाएंगे, और उसके बाद हमें निकलना होगा मंदिर, खाटू श्याम जी के दर्शन करके आएंगे, और ये हमारे अविनाश भाई। तो फाइनली दोस्तों अब हम नहा के आ गए, और मैं भी फटाफट जल्दी तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, तैयार हो गए, और हमारे राज भाई शांत से बैठे हैं। तो फाइनली दोस्तों बताओ यार, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हमने, कैसा लग रहा है? तो दोस्तों अब फाइनली तैयार हो गए हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो दोस्तों अब हम फाइनली सारे श्याम प्रेमी जो हैं सब तैयार हो चुके हैं, फिर क्योंकि हम जा रहे हैं सब लोग नंगे पैर निकल रहे हैं मंदिर। फाइनली अब हम होटल के बाहर आ गए हैं, और होटल का नाम है 2 तारीख वालों की धर्मशाला। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और जा रहे हैं नंगे पैर यात्रा करके, हम जा रहे हैं श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं, और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो सभी मित्र मेरे साथ श्याम प्रेमी चल रही हैं। लाइव आ जाना। अपनी इंस्टा आईडी बता दो, राय जाना 815। बाकी मेरे बारे में तो पता ही यार दोस्तों, रेशर KP07। आप देख सकते हैं सुबह का व्यू, और काफी अच्छा संजू भाई मेरे साथ। संजू और मैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं श्याम जी के दर्शन करने, और बबूल के पेड़ सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो जो यहाँ का रास्ता है काफ़ी रेतीला है, और ये जो शॉर्टकट है, जो मेन जो प्रॉपर रास्ता है मंदिर जाने का, वहाँ लगभग 3-4 घंटे में आपको बाबा जी के दर्शन होंगे। और ये हमारे जो राज भाई हैं श्याम प्रेमी, ये कम से कम यहाँ पे 3-4 बार आ गए, इसीलिए हमको शॉर्टकट रास्ते से लाए हैं। आप देख सकते हैं श्याम प्रेमी की जो आसपास की मंदिर के आसपास की जो पार्किंग है, पार्किंग आ चुकी है, और मेरे साथ सभी प्रेमी लगातार चलते हुए हम जा रहे हैं पैदल। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राज भाई इस समय हम कहाँ पे खड़े हैं? मंदिर गेट पे अंदर जाने के लिए खड़े हैं। प्रसाद वगैरह ले लिया हमने, गुलाब की गली ले ली है, और इत्र भी ले लिया है। अब हम ले रहे हैं प्रसाद। तो प्रसाद चलो कोई नहीं, पंचमेवा और पेड़ा वगैरह और चूरमा, तीनों चीजें करा लेते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम श्याम जी के द्वार आ चुके हैं, श्याम जी का द्वार आ गया है, और मेरे साथ सारी श्याम प्रेमी सभी तैयार। और फुलहारे के सहारे की बाके बिहारे लाल की। राज भाई प्रसाद में श्याम जी के लिए क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद में तो आपकी श्रद्धा अनुसार जो मर्जी चढ़ा सकते हो,
वैसे यहाँ जैसे पेड़ ही ज्यादा चढ़ते हैं। बोलो लगदा तारे की जय। के श्याम जी के द्वार, और श्याम जी के द्वार आने के बाद हमें जैसे हमने जयपुर में जब हमने एंटर करा तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जय श्री श्याम। फाइनली बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं, और बहुत अच्छी तरह दर्शन किया हमने। बाबा ने हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह दर्शन दिए, मतलब बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपने सामने बुला, अपने पास बुलाया, और मतलब मजा आ गया। ये ले वीडियो में मन प्रसन्न हो गया बाबा के दर्शन करके, मतलब बिल्कुल धन्य हो गया। राज भाई कैसा लगा आपको? मैं भाई साहब धन्य हो गया बाबा के दर्शन करके। जय श्री श्याम देवाई नमः। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही भीड़ है। आप देख सकते हैं श्याम प्रेमियों की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्याम प्रेमियों की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं जय श्री श्याम बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये हमारा मेन मुख्य द्वार, यहाँ की मेन मार्केट। अब हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं श्याम कुंड। अभी हमने खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं श्री श्याम कुंड द्वार। श्री श्याम कुंड द्वार का ये मंदिर है, और अभी मैं आपको कुंड भी दिखाऊंगा। अभी हम आपको पहले बाबा की मूर्ति दर्शन होगा, अभी हम आपको बाबा की मूर्ति के और दर्शन कराते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों आप सबको बताया था कि श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम आए हैं श्री श्याम कुंड द्वार, और श्री श्याम कुंड द्वार में हम एंट्री कर चुके हैं। और श्री श्याम कुंड है, श्री श्याम कुंड में सब लोग स्नान कर रहे हैं, और सभी लोग स्नान कर रहे हैं। श्याम की मूर्ति जो है इसके अंदर ही लगा था, बाबा का शीश है, बाबा का कुंड में निकला था। जय श्री श्याम, बाबा की दर्शन करके हम फाइनली आ चुके हैं रूम पे वापस। और भाई मैं धन्य हो गया, बाबा ने मुझे पूरे 2-3 मिनट तक दर्शन दिए। संदीप भाई जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों कमरा नंबर है 117, और इस कमरे को अब हम चेकआउट कर रहे हैं। ये रूम हमने खाली लिया था। आइए सभी मित्र, आइए सभी श्याम प्रेमी। अब हम रूम चेकआउट कर रहे हैं और रूम को खाली कर रहे हैं। हमसे अब चेकआउट करते हुए राज भाई, तो अब हम रूम को चेकआउट कर रहे हैं। सभी मित्र श्याम प्रेमी हम निकलते हैं। हमने जो है बहुत ही मेहनत से, कड़ी मशक्कत से, 2-3 दिन से लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो इधर उधर की जोड़ के हम आपको प्रॉपर तरीके से ब्लॉग देंगे, ब्लॉग आएगा हमारा नया। तो जय श्री श्याम।